हेलो दोस्तों, पोको ने आज अपना एक नया स्मार्टफोन पोको M4 5G को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि एक बजट सेंट्रिक फोन है। इस वीडियो में दोस्तों स्पेशली पोको M4 5G के बारे में बात करेंगे कि इसकी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन इंडिया में क्या रखी गई है, इसकी इंडियन मार्केट की प्राइस क्या निकल के आई है, यहाँ पे हमें कौन कौन से बैंक के ऊपर ऑफर्स देखने को मिलते हैं, इसका फर्स्ट सेल कब से स्टार्ट होगा और क्या हमें इस फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं, इन टोटल सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। सो हाय गाइज, मैं हूँ अविनाश, टेक केयर के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइस यहाँ पे हमें 6.59 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। सामने की तरफ यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है, जिसको लेकर पोको से कुछ लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं। वी शेप का नॉच दिया गया है, जहाँ पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की साइड यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप दिए गए, 50+8 का सेटअप देखने को मिलता है। मेन सेंसर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के दिए गए हैं और दूसरे सेंसर के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों 5000 मिली एम्पियर की बैटरी दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बैटरी है, 2 दिन का बैकअप आराम से निकाल के देगी। टाइप सी पोर्ट के साथ आता है और यहाँ पे 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। अच्छी चीज़ यह है कि इन द बॉक्स यहाँ पे चार्जर भी मिलता है। यहाँ पे गाइस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक भी देखने को मिलता है, डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, IP52 की यहाँ पे वाटर रिपेलेंट कोटिंग भी देखने को मिल जाए। फिजिकल रैम के साथ साथ 2GB का यहाँ पे टर्बो रैम भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सिंगल एक ही स्पीकर दिया गया है, जिसको लेकर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। स्टूडियो स्पीकर रहता तो और ज़्यादा अच्छा रहता। गाइस यहाँ पे 7 5G बैंड के सपोर्ट देखने को मिलते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस प्राइस पे रिसेंटली कोई भी ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है और MIUI 13 के ऊपर रन करता है। वैसे दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब गाइस अगर बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे MediaTek Dimensity 700 का चिपसेट दिया गया है, जो कि बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड पे ये चिपसेट रन करता है एंड 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है, तो यहाँ से गेमिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। डे टू डे लाइफ में ये चिपसेट आपको बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। यहाँ पे गाइस LPDDR4X का रैम दिया गया है एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलता है। तो गाइज यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग के बारे में। तो गाइज इसे 4GB 64GB एंड 6GB 128GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किए गए हैं। जो बेस मॉडल है 4GB 64GB, इसकी प्राइस 12,999 रखी गई है एंड जो सेकेंड मॉडल है इसे 14,999 में लॉन्च किया गया है, मतलब 13,000 and 15,000 का ये फोन लॉन्च हुआ है। तो प्राइस जो है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास SBI बैंक का सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड है तो आपको 2000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तब ये फोन 11,000 and 13,000 रुपये में आप खरीद पाओगे और 11,000-13,000 रुपये के हिसाब से अभी के टाइम पे ये वन ऑफ द बेस्ट डील रहेगा। अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए 12,000-13,000 रुपये की रेंज में, तो आप ये फोन जाके ले सकते हो, चाहे आपके पास कार्ड हो या फिर नो। लेकिन अगर आपको एक 4G स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस फोन को मत लीजिए, इसकी जगह पे आप कोई और फोन लाइक Moto G31 बाय कर सकते हो या फिर Poco M4 Pro का 4G वेरिएंट ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं पसंद आती है डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस तरह का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।